वहीं बात फिर से भवानी खेड़ा की। भवानी खेड़ा में बुधवार को बेसहारा पशुओं के आतंक से परेशान किसानों ने स्थानीय नगर पालिका में इकट्ठे होकर नगर पालिका सचिव से शिकायतें की और जल्द ही समस्या का समाधान करने की भी गुहार लगाई। इस दौरान किसानों का आरोप था कि शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन उनकी समस्या की अनदेखी कर रहा है। आज आवारा पशुओं के कारण किसानों को फसलों में भारी नुकसान सहना पड़ रहा है, जबकि हम बेसहारा पशुओं द्वारा किए जा रहे फसलों में नुकसान की शिकायत पहले भी कई बार नगर पालिका प्रशासन को कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं है, जिसको लेकर नगर पालिका सचिव ने किसानों को जल्द ही कस्बावासियों और कर्मचारियों के सहयोग से समाधान करने का आज किसानों को आश्वासन दे दिया है। आवारा पशु हैं वो खेत गेहूं बड़के ना फसल खराब करने लग रहे हैं, तो डीसी साहब के भी आदेश आए थे एक हफ्ता पहले, शायद एक हफ्ता हो गया होगा उनको बातों को। डीसी साहब के आदेश आए थे कि आवारा पशुओं को नगर पालिका में सेक्रेटरी साहब को लिखित में दिया था डीसी साहब ने कि भी आवारा पशुओं को पकड़ करके गौशाला में डालो या कहीं उनका समाधान करो ताकि किसान परेशान न हो। तो इस मांग को लेकर के सभी किसान भाई इकट्ठे हुए थे, नगर पालिका सचिव साहब सेक्रेटरी साहब से मिले, सेक्रेटरी साहब को बताया समस्या के बारे में, अवगत हमने भी कराया और उनको पहले भी अवगत था। तब सेक्रेटरी साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई 10 कर्मचारी हम साथ में भेजेंगे, 2 ट्रैक्टर भेजेंगे और गांव वाले मिलकर सब सहयोग से गौशाला में आवारा पशुओं को छोड़ने का काम करेंगे। भाई फसल ना नुकसान करा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, रात ना धुंध पड़े ठीक दाग होनी और ये सारी फसल ना खा गई, बर्बाद कर दी मैंने। तो इनका समाधान के लिए बीमार हो क्या आश्वासन दिया सचिव ने? आश्वासन दिया जी 10 कर्मचारी भेजेंगे, 2 ट्रैक्टर भेजेंगे, जाएंगे अब इकट्ठा करेंगे। कमेटी की तरफ से आवारा पशु पकड़ने के लिए गौशाला में छोड़ने के लिए एक मामला था, तो उसके लिए अभी हमने जो कुछ मौजीजान व्यक्ति थे उनसे हमारी बातचीत हो गई है, उन्होंने अपना पूरा सहयोग करके कुछ हमारे म्यूनिसिपल कमेटी का जो स्टाफ है उनसे मिलके हम वो जो आवारा पशु हैं उनको हम अभी जो है जो हमारी जो गौशालाएं हैं उनको हम छुड़वा रहे हैं। तो 2 गौशाला हमारे पास में, मुझे बताया गया अभी हाल ही में कि 2 गौशाला हमारे पास में है, एक तो शहर के नजदीक है, एक शहर से थोड़ा दूर है, तो उसमें से हमारी बातचीतें हो गई हैं, उसमें से आधा आधा जो पशु है हमारे यहाँ पर उनको 30 पशु जो है वो जो शहर से दूर है थोड़ा उसमें हम वहां पे दे रहे हैं उनको, बाकी के जो आवारा पशु बचते हैं